नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राहुल। टिन नंबर और पिन नंबर को लेकर लोगों के मन में अक्सर संदेह रहता है। ज़्यादातर लोग अपने एटीएम पिन को ही टिन नंबर समझ लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टिन नंबर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका उपयोग पूरे देश में टैक्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही वैट कानून के तहत किसी डीलर की पहचान के लिए भी टिन नंबर का ही उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर समझते हैं टिन नंबर को कि टिन नंबर क्या होता है और टिन नंबर यदि आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि टिन नंबर होता क्या है। राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय पर वैट या सेल्स टैक्स लगाया जाता है जिसके लिए टिन नंबर की आवश्यकता होती है। टिन नंबर की फुल फॉर्म होती है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। देश के ज़्यादातर राज्यों में 5 से 10 लाख तक की सालाना इनकम करने वाले व्यक्तियों पर, व्यापारियों पर वैट नहीं लगाया जाता है। लेकिन अक्सर टिन नंबर तभी ज़रूरी होता है जब सेल्स की छूट की सीमा ज़्यादा हो। इसके अलावा यह उस राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है कि वहाँ पर अधिकतम कितनी सालाना आय के बाद में वैट लगाया जाता है। कभी कभी बिजनेस के दौरान माल खरीदने पर आपको विक्रेता को भी टिन नंबर देना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि टिन नंबर लेने के लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन होने के बाद टिन नंबर के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन करने के लिए आप राज्य सरकार के कॉमर्शियल टैक्स विभाग या सेल्स टैक्स विभाग के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अपने व्यापार से संबंधित जानकारी भर के आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर टिन नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री होती है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के समय सरकार को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देने का नियम है। तो आप इस वेबसाइट पर जाके खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट बताई है, राज्य सरकार की कॉमर्शियल टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाके, ठीक है। अब देखते हैं कि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। इसके अंदर सबसे पहले है पहचान पत्र। पहचान पत्र के रूप में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक रेफरेंस ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के लिए आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल बिल यूज कर सकते हैं, ठीक है। राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बिजनेस प्रूफ आईडी, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस है उसकी एक आईडी होगी आपके पास, वो भी वहाँ पे चाहिए होती है। उसके बाद में पैन कार्ड चाहिए होता है। ये सब आप वहाँ पे भर के सबमिट कर देंगे तो आपका जो है टिन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।